नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में होने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है कि आखिर 29 जून को नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या कुछ अहम जो मुद्दे हैं वो इस कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा। और ऐसे में सबकी जो नज़रें हैं वो 29 जून की कार्यकारिणी की बैठक में है कि क्या जदयू में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बता दें कि राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिरता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वही बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के सभी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य शामिल होंगे, जिनकी संख्या 100 के करीब हो सकता है। जदयू प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी। अगर कहीं प्रदर्शन बेहतर नहीं है तो पार्टी यह पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर दिक्कत कहाँ रह गई, अगर कहीं खामी पाई गई तो उसे सुधारने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। वे बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी को विस्तार देने की दिशा में रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। दावा है कि आने वाले दिनों में जदयू में कई उलटफेर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 9 सीटों की हानि उठानी पड़ी तो जदयू को 4 सीटें खोनी पड़ी। कथित तौर पर कार्यकारिणी के संगठन में विस्तार पार्टी को मजबूत करने के, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव भी खत्म हो चुका है, परिणाम भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में कई जो बैठकें हैं वो हो चुका है। अब आपको बता दें कि 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है। अब सबकी जो नज़रें हैं इस कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी हुई है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्या कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, क्या अहम कुछ मुद्दे पर फैसला ले सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी बहुमत से सरकार भाजपा जो है नहीं बना पाई, उसे जदयू का सहयोग लेना पड़ा, ऐसे में नीतीश कुमार जो है केंद्र की सरकार में सबसे, केंद्र की सरकार बनाने में सबसे उनका जो अहम है वो रहा। ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं कि 29 का जून को कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ होगा, ऐसे में आपको बता दें कि जो ये पैकेज की बात करें तो बिहार में विशेष राज्य की दर्जा को लेकर जो है प्रस्ताव रखा जा सकता है और जो संभावनाएं जताई जा रही है इससे के मुताबिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि विशेष पैकेज की बात रखी जाएगी और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की भी प्रस्ताव रखे जाएंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 29 जून की कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।